सरकारी नौकरी बिच लुआई देगी उन्हें कोई फैक्ट्री फूटी आला सोना सख्त गल है उसके बाद उन्हें फैक्ट्री फूटी मैं सू फैक्ट्री फूटी करने वास्ता नहीं फैक्ट्री तुस जिन्हें तक उस आर्डर नहीं होंगे उन्ने तक तुम जिथे मर्जी लाओ फैक्ट्री च लाओ घर लाओ जिथे मर्जी लाओ सू दस लेकिन साढ़े को फाइल जी है इन्हें दिनों के रिकमेंड होनी चाहिए ठीक है असें सरकारी नौकरी के बगैर सानू कोई भी असें फैक्ट्री फूटी बच्चे थोड़ा धक्के कर लेंगे जाने बाद कोई और धक्के कभी जी दिमाग की गल है जी रही है पैसे फाइनैंशियली इन्हें मदद देने वास्ते फाइनैंशियली मदद वास्ते भी आख्या भाई जियां मर्जी करो ये केस जरा हो गरीब बच्ची है जिन्हें चेर थोड़ा केस नहीं फाइल सॉल्व होंगे उसके वास्ते असें इसकी जो रोटी पानी का क्या है कौन करेगा दस तेरह दिन दिन घर बहना उसके वास्ते उन्हें मनिया कि अस अपने को पैसे फाइनैंशियली भी जो पैसे ने दो दिन के अस पैसे भी देते गए जो भी कट्ठा सा महकमे तौर पर करा वेलफेयर सेंटर होंगे ना उसके माध्यम कने करा नंबर इनकुआरी जी तुम कराओ नहीं कराओ सू नहीं वास्ता है एक मजिस्ट्रेट की सदारत में इनकुआरी करवानी है क्योंकि उत्थे जो कुछ होया ये मरिया गईं उसकी इनकुआरी कौन कौन बंदा इनवॉल्व है कौन कौन बंदा उसके था मौके पर और उन्हें कियां इसकी डैथ हुई है ये त्रै मुद्दे अस फाइनल करिए सरपंच साहब उत्ते हैं कल का मेरे आने का मकसद इे हा कि क्योंकि ये लोग साढ़े जिहड़े ना कला दे इहे बनाए दे महाराज फैक्ट्री लाई ने फलाने लाए ने जिन्हें भी बैठे ने डीएसपी साहब उत्थे बैठे थे सारे मैं उन्हें इक्के गल आखी मैं कहा सानू कोई कुछ करने वास्ता नहीं है सानू सिर्फ वास्ता है कि इस कुड़ी जिहड़ी है अजय नी पैंती है कुछ ने मुझे आख्या महाराज नी उम्र हुई मैं कोई गल नहीं है साड़ी अजय पैंती उम्र नहीं हुई जी नी अजय पैंती साल की चाली साल के बाद अगर साढ़े वास्ते बाहर होंगे नहीं लगी सकती अठारह साल की अजय बच्ची है दो साल का बाद पुछा मैं इतने केस बड़े करवाए ना जिन्हें हूं यह जो रौला पेदा है जी हम दसवें अज तुम बड़े दुहत्थड़ा मारे सारे कट्ठे हो गए लकड़ी भी देन जाना कल तेरह दिन के बाद इस करिए मैं उन्हें आखिया मैं तुम जरा भी है ना दो साल बाद तेरी बच्चे कौन सुननी है बच्ची आखा नहीं बच्ची ने कौन है असें इसे गल जोर पाया तो इसलिए अजय नी उम्र है कुड़ी की ये वास्ते फाइल रिकमेंड कराओ डीआईजी साहब इतने आए हैं उन्हें मौके पर आनी है इतों का वायदा किया एस पी साहब ने कि मैं करा लिया अगर कोई दिक्कत आती है तो जिते भी कोई हो कल से हमें लोगों ने बार बार यही कह रहे थे कि हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे बताइए चाहिए क्या किस चीज़ के लिए क्योंकि मैं तो मुलाजम हूँ इस बच्ची का जो मर गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते ना पुलिस ला सकती है ना ये शोर शराबा करने वाले हमें चाहिए कि जो फैमिली है वो उसका पुनर्वास क्या होगा हमने बिल्कुल प्रोग्राम बनाया था पुलिस के एसएसपी साहब का हम तो मैं तो शुक्रिया ही अदा करूंगा उन्होंने डीएसपी साहब ने बीच में थोड़ा कल से हमारा रबता बना हुआ था कल से हमारे डीडीसी और ये हमारे सरपंच साहब जो सोनू जी हैं वहाँ सदके चक के उन्होंने बैठ करके हमने पुलिस पर इतना दबाव बनाया था कि एक तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए मजिस्ट्रेट के माध्यम से इसकी इंक्वायरी हुई अब हम वहाँ बैठे थे अभी डीसी से आर्डर को आके निकले हैं कि वहाँ तहसीलदार अपॉइंट कर दिया मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी होगी फिर उसके बाद पुलिस इंक्वायरी होगी जिसका एएसपी साहब एडिशनल एसपी साहब उसकी इंक्वायरी करेंगे जो गफलत जिसकी गफलत होगी उसको सजा जबरदस्त सजा दिलवाई जाएगी तीसरा उन्होंने कहा कि हमने ये पॉइंट रखा हमारे सरपंच साहब या बाकी जो वहाँ के मौजूद आदमी थे उन्होंने पॉइंट रखा कि इन बच्चों का क्या होगा तो हमने जो बच्चे पढ़ने वाले थे हमने उनका मुद्दा रखा उन्होंने कहा जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे पुलिस
अपने तरीके से इसका पूरा खर्चा जो है वो हम उठाएंगे, उसका जो भी कल से हम सारा बंदोबस्त कर देंगे और बच्चों को एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया इनकी, तब तक सबसे बड़ा जरूरी था कि इस लड़की जो रह गई है इसका पुनर्वास के लिए कोई सरकारी नौकरी के लिए, जहाँ लोगों ने, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है लोगों की, उन लोगों ने यह फैसला किया था कि इसको किसी फैक्ट्री में लगवा देते हैं, पुलिस वाले भी ये, क्योंकि इजी जॉब है। मैंने कहा नहीं, आज हम एसपी साहब के पास, डीआईजी साहब भी वहाँ आए हैं, हमने कहा कि इसको एसपीओ की नौकरी, आपके पास और परमानेंट तो नहीं आप कर सकते, एसपीओ की नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्र जो है वो अभी नौकरी करने के काबिल है, वो बच्ची देखने में तो बहुत ही कम है, लेकिन 35 साल उसकी, तो 40 साल तक एक शेड्यूल कास्ट वर्ग का आदमी जो है वो नौकरी कर सकता है, तो उसके लिए वो मान गए हैं। उन्होंने कहा हम यहाँ, ये तो आप लोग भी मीडिया वाले सारे जानते हैं जो कानून को जानते हैं, कि एसपी के हाथ में एसपी को लगाना, एसपीओ को लगाना उनके पावर में नहीं है, लेकिन रिकमेंड कर सकता है, डीआईजी साहब भी वहाँ आए, रिकमेंड करके कल ही उन्होंने कहा है, उधर बहुत सारे लोग थे, सरपंच साहब भी थे, बाकी उनके साथ सदके चक के कुछ लोग हर बरादरी से गए थे, सिख बरादरी के थे, गुजर बरादरी, बाकी लोग भी थे, तो हमने उनसे ये चार पांच चीज़ें जो थी वो सारी सारी एग्री करवाई हैं और उन्हें आश्वासन दिया है। हमने उनको ये भी कह दिया कि सर ये नहीं सोचना कि हमने कोई आपसे बैठ करके कोई बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस फैमिली का पुनर्वास हो, वो आपने टाइमली एक्शन लेकर के जो चौकी अफसर क्या उसको लाइन हाजिर कर दिया है, जो वहाँ का मुंशी है, जो मेन कल्प्रेट है वहाँ, उसको सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट करिए उसको भी, ताकि लोगों को इबरत जाए कि ये इस तरह की लापरवाही करके, हो सकता क्या होना, हम अभी तो प्री मैच्योर, हम कुछ नहीं कह सकते, कल इंक्वायरी में पता चलेगा। उसके बाद वहाँ एक जो ड्यूटी पे था, हमें तो ये हैरानगी हुई कि एक आदमी 37-24 घंटे उनकी देखभाल के लिए होता है, ये 2 घंटे में वो कहाँ रहे, सोए रहे, एक वहाँ हैंगिंग होती है, फिर बड़े हैरान की बात है पुलिस स्टेशन में ऐसा हो गया, तो इसके लिए इंक्वायरी के लिए और कर दिया है। फिर हमने उनसे ये भी कहा है कि इसमें कोई किताब, तो एसएसपी साहब ने कहा मैं नया आया हूँ, मैं, मेरे पे भरोसा रखिए, मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ कि आपसे कोई वायदा करके कल मुकर जाऊँगा, आप हमारे साथ जो भी करवाना चाहते हैं, इसके लड़की के पेपर भी लाइए, कल मैंने इनको बोल दिया अपने पेपर दीजिए, कल ही हम केस रिकमेंड करवाएंगे, यहाँ से केस रिकमेंड हो गया तो हमारी सिरदर्दी जो है वो आ गया, बाकी रहा फैक्ट्री में या कहीं आप फर्दर टाइमिंग, जब तक इनका कोई पुनर्वास नहीं होता तब तक अगर वो लगवाना भी चाहे तो इनकी घर वालों की मर्जी है, हमने ये मुद्दे जोर से उठाए हैं, अगर इन पर ये नहीं कोई कदम उठाते हैं, पुलिस कोई कोताही करती है, तो हम, हमारे पास उसका जो डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, पुलिस के खिलाफ चाहे कोई भी है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हम नहीं, मैं नहीं किसी परवाह करता, चाहे वो पुलिस हो चाहे डीसी हो, कोई भी हो, हमारे लोगों के साथ जहाँ भी धक्का होगा, अभी मेरी कुछ बहनों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हमें ये चाहिए, मैं कहा बहन जी आप इस चीज़ के लिए चुप रहिए, जो हमने करना था वो कर दिया, रौला भी शोर करेंगे वो भी आकर के यही लिख के देंगे, हाँ उससे हम लोग बदनामी हो जाएंगे, घर वालों को बदनामी होगी, कल किसी जो लीडर लोग हैं वो अपना नारेबाजी करेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे, आप लोगों के पास हम सारी उम्र आपके साथ रहते हैं, हम अपने के फैमिली से हैं, हम, हमें जितना दुख है उतना किसी को नहीं हो सकता, इसलिए उनकी फैमिली के लिए जो करना है हम साथ होके करेंगे, डॉक्यूमेंट भी बनवाएंगे, उसका केस भी रिकमेंड करवाएंगे, जो फाइनेंशियल एड है वो भी करवाएंगे, और बच्चों की पढ़ाई का भी बंदोबस्त करवाएंगे। जय भीम जय भारत। थैंक यू। मैम किस तरह की मांग करते हैं, अभी आप एसएसपी सर के पास गए थे, क्या बात हुई उनके साथ? सर जी मैं अपना इंसाफ मांग रही हूँ अपने बच्चों के लिए और कुछ नहीं मांग रही हूँ। क्या एसएसपी सर ने क्या कहा आपको, क्या आश्वासन दिया? सर क्या लगता है कि ये कस्टोडियल डेथ है कि इसके पीछे कोई साजिश है? सर जी मुझे कोई कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ अपना इंसाफ चाहिए बस सर, और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांग करते हैं आप, क्या मांग करते हैं? मांग कर रहे हैं मेरे बच्चों के लिए रखवाले कोई नहीं है। बच्चों के लिए उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि बच्चों को किस तरह की कंपनसेशन दी जाएगी, कोई नौकरी का वादा किया? सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपके पति की जो मृत्यु हुई है उसके लिए आप किसे जिम्मेवार मानती हैं? क्या उन्होंने सुसाइड की है या इसके पीछे कोई और कारण है? आपको क्या लगता है?
घर से सही सलामत किया, मैंने उसको सही सलामत देखा, मुझे नहीं पता उसने क्या किया या क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे नहीं परेशान करना। भैया ना क्या है सानू के मतलब नौकरी नौकरी अप्लाई कर देने कल तो मतलब क्या है उन्होंने कि कल तो कर देने अप्लाई, बाकी हम देखने कल का की बनता की नहीं। ठीक है ना सर, जिन्हें भी आश्वासन तुम्हें थोए ना उस वर्बल देते हैं या रिटर्न से कुछ लिखी देते? रिटर्न जी कुछ नहीं भैया, कुछ रिटर्न नहीं है, खाली बोले ही है, बोल दे एंड पर कल हो ही साहब, कल फाइल ले आओ पेपर। आप सहमत हो जो आपको आज आश्वासन मिले है, सहमत हो आप? सारे आखा देते हैं सहमत ही दिखने हैं, फिर वे हुन अपने मजोत्रा जी ने आखे हुन उन्हां कोल ही जाने पड़ना, फिर उन्हां ले जिम्मेवारी उन्हें दी देखने हुन। मजोत्रा साहब और डीसी इन्हां ने ले जिम्मेवारी देखने, इन्हां जिम्मेवारी ले देखने हुन।